आज के ज़माने में लोग फैशनेबल होते जा रहे हैं, अपने पुराने परंपरा को भूलते जा रहे हैं, लेकिन आज भी कई गांव ऐसे हैं जो अपने पुराने परंपरा को चलाते आ रहे हैं। ऐसे ही रूढ़िवादी परंपरा धमतरी में देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि धमतरी जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर नगरी इलाके में संत बहारा गाँव है, जहाँ 40 से 50 परिवार रहते हैं। इस गाँव में महिलाएँ ना तो श्रृंगार करती है और न ही खाट पर सोती है। यहाँ तक कि लकड़ी की बनी हुई कोई भी वस्तु पर टेबल कुर्सी बैठती तक नहीं है। इसके साथ ही इस गांव के महिलाएं श्रृंगार भी नहीं करती हैं, अपनी मांग में सरजू तक नहीं लगाती हैं। इस गांव की मनकई ऐसी है कि अगर महिलाएं ऐसे करेगी तो उसे कोई ना कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। वही सन बारह गाँव की महिलाएँ दिलकुरम बताया कि गाँव में ही एक पहाड़ी है जहाँ कई पाठ देवी रहती है। गांव की देवी ऐसे करने से नाराज हो जाती है और गांव में संकट आ जाता है। यह परंपरा सदियों पहले उसके दादा जी के जमाने से चली आ रही है और बताया कि अगर कोई भी गांव में इसे तोड़ने की गलती करता है तो गांव में कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। और बताया कि कोई भी खुशी के पल हो, दिवाली, तीज त्यौहार या शादी में महिलाएँ श्रृंगार नहीं करती हैं। वहीं महिलाएँ को लकड़ी से बने सामान टेबल कुर्सी और बैठने की मनाही है, जिसके कारण उसके बैठने के लिए ईट सीमेंट की चौरा बनाया गया है। देवी छा बैठे नहीं दी, देवी छा बैठे नहीं दे यहाँ खटिया में पीढ़ा में मांग नहीं भरे, कुर्सी में कहीं में नहीं। वह शुरू से जब यहाँ एक सियान मन अभी तक सिर्फ यही नहीं करो। हाँ, धान पूरा करखन, लेकिन माता दी महिला माना धान नहीं काटा, देवी नहीं।